युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। दौसा कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। दौसा कोतवाली पुलिस ने 8 मोटरसाइकिल सहित 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस महानिरीक्षक एस सैगाथिर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सिंह चौहान व पुलिस वृत्ताधिकारी सीओ नरेंद्र इनखिया के सुपरविजन में थानाधिकारी दौसा कोतवाल राजेश मीणा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन कर क्षेत्र में दिन प्रतिदिन हो रही वाहन चोरी की वारदातों को रोकने व वाहन चोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए थे, जिस पर थानाधिकारी राजेश मीणा द्वारा स्पेशल टीम बनाकर मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरी करने वाले व संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखी गई। वहीं 23 जुलाई को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि 3 लोग बिना नंबर के मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, जो वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इस पर दौसा कोतवाल राजेश मीणा विशेष टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर मुलजिम बाबूलाल मीणा, रामराज मीणा व महेंद्र मीणा को बिना नंबर की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, तो चोरों द्वारा चोरी की कई वारदातें कबूल की गई। इस मामले को लेकर जानकारी देते हुए दौसा सीओ नरेंद्र इनखिया ने क्या कुछ बताया, आपको सुनाते हैं। दौसा में श्रीमान आईजी साहब जयपुर रेंज द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें श्रीमान एसपी साहब, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब, उनके मन वर्ताधिकारी के सुपरविजन में एक थानाधिकारी कोतवाली की टीम गठित की गई थी, और इसमें वाहन चोरी के जो वारदातें हो रही है उनकी रोकथाम के लिए और संदिग्ध लोगों की निगरानी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जो कंटिन्यू इन पर निगरानी रखते थे। दिनांक 23 तारीख को, इसी माह के 23/7 को एक सूचना मिली थी कि 3 संदिग्ध व्यक्ति बिना नंबरी बाइक के कहीं जा रहे हैं, तो इस सूचना पर उनके टीम ने घेराबंदी की। उसको जब ले आए दस्तयाब करके तो वो सही तरीके से जवाब नहीं दे पाए थे, और उस बाइक के बेसिस पे और उन 3 जो गिरफ्तार दस्तयाब किए गए थे उनके पूछताछ की गई, तो उन्होंने कई और वारदातें भी वाहन चोरी की कोतवाली एरिया के अंदर और इसके अलावा दौसा जिले में बांधी हुई है, इस सदर इलाका है उसमें भी कई चोरियां हुई। उसका उन्होंने कहा कि हमने चोरियां की है और उसमें कई हमने बाइक 7 बाइक बरामद की है, 3 मुलजिम को अभी तक अरेस्ट किया है और भी प्रयास करके आगे की कार्रवाई की जाएगी इसमें। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।